ओबीसी महासभा के तत्वावधान में समाज सेवी मुकेश पटेल के द्वारा ग्राम विक्रमपुर से राजनगर तक पैदल मार्च निकाला गया। राजनगर से विक्रमपुर की रास्ता की हालत देखी जाए तो बहुत ही खस्ता बनी गई है। लगभग 4 सालों से सड़क को उखड़ी होने के कारण आवागमन तो बाधित तो होता ही है, साथ में धूल से लोगों को सिलिकोसिस की बीमारी हो सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिस कारण उनके जीवन में बड़ी दिक्कतों सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी मुकेश पटेल ने बताया कि सड़क उखड़ी पड़ी है, ज्यादा बोल्टे के बजरे से बाइक फिसलने से कई लोगों की मौत तक भी हो चुकी है और वहां पर वाहनों को भी काफी नुकसान होता है, जिससे आसपास के युवाओं ने एकजुट होकर इस धूल से निजात के लिए रैली में भाग लिया है। रैली का जगह जगह गांव गांव स्वागत किया गया। पाए रामबाग के लोगों ने सभी रैली में सम्मिलित युवाओं का केला से शूलपाहार करवाया गया। साथ ग्राम चौबर में समाज सेवी मुकेश पटेल के निज निवास पर साथी साथियों का भव्य स्वागत एवं शूलपाहार करवाया गया। राजनगर के नवीन SDM DP द्विवेदी को ज्ञापन दिया, सड़कों पर काम लगवाने के लिए ओबीसी महासभा को उन्होंने 3 माह का आश्वासन दिया गया। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल ने कहा कि 3 माह के अंदर अगर कोई शासन प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कार्य नहीं किया जाता है तो ओबीसी महासभा को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय ओबीसी महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं समाज सेवी तथा पत्रकार उपस्थित रहे। हमारा जय भाई का परेशानी रोड पे? रोड पे इतनी परेशानी कि हम जाने की कितनी परेशानी, जो रात दिन लिख रही थी इतनी परेशानी है हमें कि काबू में ना हो। धूल मिट्टी से बच्चे लोग बीमार होते होंगे? धूल मिट्टी से, धूल मिट्टी से बच्चा वो हो रहे और खतरे में एक बंटा पड़ जा रहा है। हमारे राय राय इतने इतने निकल रहे तो निकल नहीं पा रहे। अभी तो अधियार है, तो मकान है, हमारे राय राय बच्चा तकलीफ में है। हम कहाँ लो तक सकी, कहाँ लो बता कौन ना है। एक्सीडेंट से लोग दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है सब। कई लड़का बिटिया बचाते हैं, टांगनाथ हैं एक एक, जैसे राय राय निकला हमारे लोग 4-6 है यहाँ इकट्ठे। अब हम क्या कर लें, रात निकालने से क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे रोड जल्दी? हम जो चाहते हैं कि जो रोड बने जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी। जो नेता लोग विधायक मंत्री हैं उन लोगों की कोई आपकी सुनवाई हुई है अभी तक? कोई आता ही नहीं। आप लोग सुनाई, चाहे विधायक बने या नेता बने, व्यवस्था तो कुछ होगी जब तो सुनाई होगी। हमारे बच्चे निकल गए, यह प्रॉब्लम है, तत्काल निकाल तक नहा तो नंगी पैर जाती यहाँ से वहाँ नदी तक, तो क्या व्यवस्था बनी बताओ। अभी अपने यहाँ BT शर्मा जी आए थे, सांसद जी, वहाँ पे लोगों ने रोड की समस्या को लेकर बोला था, उन्हें बोला ही नहीं तो क्या बोला था? बोला कब बोलता है किसी ने जानकारी नहीं, चिल्ला सैकड़ों की, इसमें सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक जन विक्रमपुर से चल करके आए हैं। लगभग कितना किलोमीटर की पदयात्रा? 15 किलोमीटर लगभग की यात्रा करके आए हैं। इसमें हमारे दिव्यांग साथी भी रहे हैं और मेरा शासन से निवेदन है, जो हमने आवेदन दिया है, SDM महोदय ने बोला है कि 3 माह के अंदर अंदर आपके जो रोड है उनका काम चालू हो जाएगा, जो हमें उन्होंने एक आदेश भी दिया है और 3 माह के अंदर उन्होंने कहा कि रोड काम चालू हो जाएगा। अगर मैं 3 महीने के अंदर रोड का काम चालू नहीं होता है तो मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना देना चाहता हूं कि ये जनता अभी सैकड़ों की संख्या में है, अब हजारों की संख्या में एक साथ धरने पे और रोड पर बैठेगी। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम रोड पर तुरंत पानी कंचवाने का, मरम्मत करने का काम चालू किया जाए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय इस आम जनता की आवाज को दिया। और आप सभी लोग भी